Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all is well. आज हम बड़े interesting topic पे बात करने वाले हैं और वो है blood circulation. Actually काफ़ी लोगों को एक curiosity होती है ये जानने की हमारे body के parts में blood कैसे supply होता है. तो इसी interest के साथ आज हम जानेंगे blood circulation कैसे होता है. जैसे कि पहले भी हमने बात की थी हमारा heart एक engine की तरह काम करता है, वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस भी हमारे हार्ट से ही होती है. जैसे कि हम सभी को पता है हार्ट में दो पार्ट्स है, वन इज द राइट साइड एंड सेकंड इज द लेफ्ट साइड. जैसे राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोसेस और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोसेस होती है. पहले हम जानेंगे व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिंपल लैंग्वेज में कहे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स विदाउट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स विद ऑक्सीजन. सो हम स्टार्ट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोसेस क्या होती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोसेस राइट साइड ऑफ द हार्ट में होती है. ये दो चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम हमारे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू सुपेरियर वेना केवा जो अपर पार्ट से आती है और इन्फेरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट से आती है. फिर ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. देन इस ब्लड को लंग्स कैरी करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी इट मींस रिलेटेड टू लंग्स, जो लंग्स को अटैच रहती है. ये हो गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोसेस. नाउ वी मूव टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. सो देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या प्रोसेसिंग होती है. जैसे हमने राइट साइड में कहा था कि ये ब्लड लंग्स में जाता है और वहाँ लंग्स उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में इस तरह एंटर करता है. फिर ये ब्लड बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरह से एंटर होता है. जैसे कि हमने राइट साइड में बोला था ट्राइकस्पिड वॉल रहती है, वैसे ही लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल रहती है. ट्राइकस्पिड मींस थ्री कस्प होते हैं और बाइकस्पिड मींस टू कस्प होते हैं. आफ्टर दिस प्रोसेस ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को एओर्टा की तरफ पंप करता है और फिर ये एओर्टा यहाँ से हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. इस प्रोसेस के दौरान एओर्टा पे हाई प्रेशर आता है जो 100 mm of Hg रहता है. तो हमने अभी देखा ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए. थैंक यू.